तो चाचा नेगेटिविटी से फेम तो एक बहुत अच्छी मिल जाती है, लेकिन ये जो है एक बहुत ही दुखदायी अंत के साथ एक क्षणिक रूप में समाप्त भी हो जाती है और ये तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत टॉक्सिक होती है। इसका एक जीता जागता प्रमाण मिली है हमारी कंगना चाची। तुमको पता ही होगा सुशांत सिंह राजपूत वाली कॉन्ट्रोवर्सी के बाद कंगना रनौत ऐसी एक्ट्रेस थी जिनको एक्चुअल में बॉलीवुड ने सब कुछ दिया, उस इंडस्ट्री की एक्ट्रेस एंड बॉलीवुड के ही एक्टर्स को जिस तरह से इन लोगों ने ब्लेम करा, एंड इवन यही नहीं हमारे विवेक रंजन अग्निहोत्री चच्चू भी तो उसी में शामिल थे। वैक्सीन वॉर के टाइम पर हर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को उन्होंने टारगेट किया। कपिल शर्मा ने मुझे शो पे नहीं बुलाया क्योंकि मेरी पिक्चर में तो भाई कुछ अलग ही चीजें हैं, हम लोग उतने बड़े स्टार नहीं है, ऐसा करके कपिल शर्मा को ट्रोल करना हो जाए। एंड ये किस्सा मैं क्यों सुना रहा हूं तुम्हें, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। डंकी से लेके फाइटर से लेके कंगना चाची तक बहुत सारी बातें करनी है। तेजस जो की रिलीज हुई जिसके लिए कंगना रनौत लाइव गई है कि मेरी पिक्चर को देखोगे जाके, और पब्लिक उसे उसी तरह से इग्नोर कर रही है जिस तरह से कंगना रनौत एक टाइम पर अपनी ऑडियंस और बॉलीवुड को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत मैसी की पिक्चर 12th फेल उन्हीं की पिक्चर के सामने उन्हीं को बीट करती है, उससे हाफ या फिर बोल लें उसके 25% बजट के होने के बावजूद भी एक ऐसा एक्टर जिसे OTT का एक्टर बोला जाता था, आज उस बंदे की पिक्चर ने जो है डोमिनेट करा है कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस को, जो अपने बायो में लिखती है कि लीड एक्ट्रेस के तौर पर मैं बॉलीवुड में जानी जाती हूँ। 12th फेल ने पूरे 3 दिन के अंदर 6,70,00,000 रुपए कमाए हैं, बहुत ही कम लगता होगा तुमको, लेकिन उस बंदे के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लोग उसकी पिक्चर को थिएटर में देखने जा रहे हैं एक ऐसी लीड एक्ट्रेस के सामने जो अपने आप को गॉडेस समझने लगी थी कि बॉलीवुड तो नीचे है, अपन बहुत ऊपर जा चुके हैं। एंड ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदारी खुद कंगना रनौत है, क्योंकि तुमको पता है कि कॉन्ट्रोवर्सी से एक फेम तो पाई जा सकती है और ऑडियंस का दिल नहीं जीता जा सकता। कंगना चाची से आगे निकले तो फाइटर मूवी ऋतिक रोशन सिद्धार्थ आनंद की नेक्स्ट पिक्चर, इसका आज फाइनली रैप अप हो चुका है। पूरे 87 दिन के शेड्यूल के बाद टोटल 87 दिन पिक्चर शूट हुई है, ऋतिक रोशन सेट पर गए हैं, और इससे ये बात याद आती है कि इट्स अ डेडिकेशन, वरना अक्की पाजी तो होते तो इसे शायद 32 दिन में निपटाने की कोशिश करते और बदले में फिर मिशन रानीगंज और सेल्फी जैसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लेके आते। फाइटर के लिए एक्साइटमेंट के अलग अलग कारण है, कुछ लोग ऋतिक रोशन साहब के लिए एक्साइटेड है, कुछ सिद्ध आनंद की नेक्स्ट मूवी पठान जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद कि वो क्या बना रहे हैं, एंड मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड इस बात से हूँ कि इस पिक्चर के विजुअल इफेक्ट एंड CGI का काम मिला है D-Neck कंपनी को, जिसने ब्रह्मास्त्र पर काफी बेहतरीन लेवल से बढ़िया काम किया था। तो ऑफ कोर्स मैं ये देखना बहुत ज्यादा चाहता हूँ कि हमारी जो बॉलीवुड की अपकमिंग बिग बजट पिक्चरें हैं वो अपने विजुअल इफेक्ट और CGI को लेकर कितना ज्यादा सतर्क रहती हैं एंड कितना ज्यादा सीरियस हैं कि मुझे पब्लिक को बहुत अच्छी चीज सर्व करनी है। भाई कचराना ही बना देना है गणपत और आदि पुरुष के जैसा। उसके बाद नेक्स्ट चीज पर चलें तो रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स से भैया सिम्बा का आज फर्स्ट लुक पोस्टर आ चुका है, लिटरली सिंघम सिम्बा सूर्यवंशी। अभी सूर्यवंशी का वैसे ऑफिशियल वाला आया नहीं है, टाइगर श्रॉफ शक्ति का कैरेक्टर और इसके बाद फिर अर्जुन कपूर के विलन होने वाली बात। वैसे मैं शेट्टी चाचा से बहुत ज्यादा दुखी हूँ सर्कस के बाद से, लेकिन स्टिल मैं एक चीज मानता हूँ कि रोहित शेट्टी के पास एक अच्छा खासा फैन बेस है, वो फैमिली ड्रामा एंटरटेनमेंट अच्छा बनाते हैं, मासी पिक्चरें बढ़िया बना लेते हैं, बट इस बार इतनी सारी स्टार कास्ट के साथ तुम उसको जस्टिस जरूर दे देना। और सिंघम अगेन के बारे में एक चीज और पता चली है कि इस मूवी की जो कहानी है वो एक्चुअल में बेस्ड होगी, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, जैसा तुमने राजनीति पिक्चर देखी होगी 2010 में वो रेफरेंस देती है महाभारत का, उसी तरह से सिंघम अगेन के अंदर कई सारे रेफरेंसेस तुमको हमारी जो है रामचरितमानस के बोले तो रामायण के मिलने वाले हैं। और इसका एक जीता जागता सबूत आज मिला है सिम्बा के पोस्टर में, जहां पर उसके बैकग्राउंड में हनुमान जी की छवि हमको दिखाई देती है। मजा आएगा पिक्चर में, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ सट्टी चाचा, बस गड़बड़ न करियो भैया। खैर इसके बाद आते हैं अपनी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और आज के दिन की एकदम बवाल न्यूज के में, जिसको सुन के कुछ सो कॉल्ड साउथ इंडस्ट्री के जो बहुत बड़े भक्त बने घूमते हैं, जो उन्हें भगवान मानते हैं, शायद उनकी नींद थोड़ा कम हो जाए। डंकी मूवी का टीजर आने वाला है SRK साहब के बर्थडे के दिन 2nd of November को, और यहाँ टीजर सेंसर हो चुका है, इट्स ऑफिशियल के टीजर आएगा, तुम्हारा भाई ऐसे वीडियो बनाता नहीं है पहली बात तो। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि इस पिक्चर के लिए 2 टीजर जो है एक्चुअल में सेंसर कराए गए हैं, पहले का लेंथ अप्रोक्सीमेटली 58 सेकंड और दूसरा अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट का होने वाला है। अब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जो 58 सेकंड वाला टीजर होगा, क्योंकि राजकुमार ईरानी है, अपनी फिल्मों के बारे में बताते हैं खुल के, और बाकी भाई इमोशन तो होते ही हैं उनकी पिक्चरों में, तो लोग उनके ट्रेलर को इतना माइंड नहीं करते कि अच्छा है या बुरा है,
पिक्चर अच्छी ही बनाएंगे। सो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि जो पहला वाला टीजर होगा ये फर्स्ट ग्लिम्प टाइप में होगा, प्रॉपर टीजर नहीं होगा, जैसे जवान का प्रीव्यू टाइप में आया था। शाहरुख खान साहब क्यों मार्केटिंग स्ट्रेटजी भाई साहब। एंड दूसरा वाला मे बी एक प्रॉपर टीजर हो या फिर उन्हें एक्चुअल मटेरियल डालना ही ना हो, बस 2 मिनट और 58 सेकंड के क्लिप दिखा के पिक्चर देखने जाओ थिएटर में, हम राजकुमार ईरानी है, ट्रस्ट करो हम पे। अब ये देख के मैं जानना चाह रहा हूँ कि सलार के मेकर्स आगे क्या डिसीजन लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे डंकी कोई डिसीजन लेती है सलार वाले भी लप से पीछे आ जाते हैं, भैया हम भी हैं आगे, और ये चीजें तो टाइम के साथ पता ही चल जाएंगी। बाकी एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारे भाई का चैनल जो अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे इतने कहने गिड़गिड़ाने हाथ जोड़ने पर भी। क्या चाहते हो क्या हो यार तुम लोग, मतलब सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।